डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 64वां महापरिनिर्वाण दिवस पूरे शहर में मनाया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस विशेष मौके को देश के संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर के देहावसान के दिन मनाया जाता है। इस दिन शहर के दीक्षा भूमि और संविधान चौक पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। महापरिनिर्वाण दिवस के दिन सभी दलों के राजनेताओं द्वारा उन्हें विशेष श्रद्धांजलि प्रदान की गई है। इसके अलावा इस विशेष दिन को देखते हुए विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पक्ष की ओर से संविधान चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदरांजलि दी गई। इस समय भाजपा के ज्येष्ठ नेता चंद्रकांत दादा पाटिल, महापौर संदीप जोशी, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। नहीं, मुझे लगता है आज महापरिनिर्वाण दिन है और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो कि इस विश्व पर ऐसा नाम है कि आज जो हमारा ये विश्व चल रहा है, इस भारत देश में बाबा साहब के संविधान का मान रखते हुए सारी जनता बाबा साहब को मानने वाली है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो राह हमें दिखाया है उस राह पर आज चलने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके की परिस्थितियां इस देश में हैं तो मुझे लगता है कि आज बाबा साहब आम्बेडकर जो इस देश के लिए संविधान बनाकर गए और इस देश की जनता को जो संदेश देकर गए उस संदेश का पालन करने की हमें ज़रूरत है, तभी यह देश आगे बढ़ेगा, इसी मुझे लग रहा है। और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की राह पर चलना ही अपना धर्म है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता आदरांजलि अर्पित करता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने भारतीय जनता पार्टीच्या समस्त कार्यकर्त्यांच्या वतीने बाबासाहेबांना अभिवादन करायला आम्ही इथे आलेलो आहोत। आज अर्ली मॉर्निंग सकाळी अगदी 6:45 मुंबई चैत्यभूमीला सुद्धा मी जाऊन आलो। वर्षानुवर्ष चैत्यभूमीला जाऊन बाबासाहेबांना अभिवादन करणं ही माझी व्यक्तिगत परंपरा आहे आणि त्यामुळे बाबासाहेबांनी जो समतेचा विचार दिला, जी घटना दिली, त्याप्रमाणे मार्गक्रमण करणं हा भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचा दृढ निश्चय आहे। परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ संविधान लिहिलं नव्हे तर समतेचा देखील संदेश, समरसतेचा संदेश हा पूजनीय डॉक्टर बाबासाहेबांनी दिलेला आहे। आणि त्यामुळे ज्यांनी तुम्हाला आणि आम्हाला खऱ्या अर्थाने एका चौकटीमध्ये आपलं जीवन अनुसरण्याचा मार्ग दिला, त्यांच्या मार्गावर तुम्ही आणि आम्ही मार्गक्रमण करणं हीच खऱ्या अर्थाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना श्रद्धांजली ठरेल। नागपूर शहर काँग्रेस पक्ष की ओर से भी शहर के संविधान चौक पर बाबासाहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदरांजलि दी गई। इस मौके पर शहर काँग्रेस अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, INBCN न्यूज़ नागपुर।